इतने नाटक मंडली आई सी तो मैं देखिया अपन बीबिया के बजुर्गों के चेहर से काफ़ी रौनक सी तो मैं भी अपना पुराना समा याद आ गया कॉलेज टाइम के मैं भी इदा ही नाटक कराया करता सी। अज कल कले दे बलदा रोग है नहीं ये नाटक तो चेहरे की मर्यादा मुख बोलन का विषय रखिया वखरेव्या तो पक्षपात तो जिमें कि आप तो सारे भली पात जाणू किवें क्योंकि साथियों ये अपन अपनी खून के परवरिश के मिले ने किवें मिले ने अपन जो बच्चे से अपन परवरिश के गल्लां सुनन मिलदी ने सो जो जो बच्चा वड्डा हुंदा जांदा है तो पकदी जांदी ने गल्लां की जांदियां ने सब तो पक्षपात जिहड़ी सब तो वड्डी गल आउंदी है कि वह धर्म की धर्म के विषय बारे मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहांगा क्योंकि धर्म के नाम से कई मुद्दे बन जाते हैं गे तो सो धर्म का कोई विषय इतने मैं नहीं चाहांगा तो धर्म आपो अपना सारे का हक है। तो हाँ उस तो बाद मैं गल करांगा जात पात की आप जात पात से वंडे होएंगे किन्नी जात बन गई फिर कैटागरिया बन गई सो इस होर देखिए तो आप रंगा के वंडे हुए वो गोरा है जी वह काला जी इस तरह तो होर देखिए रेंदे खुंदे आप पार्टियां वंड गए कांग्रेसी अकाली हुण तां तीजी धिर भी होर आई हुई है तो सो इस तरह आप वंडी जाने गे इस करके कमजोर हो जाने जिन्ना आप वंड हो रही है जिनी अपनी पक्षपात हो रहे ने यह उन्नी आप कमजोर हो रहे हैं गे पर तुसीं देखो जदों भी एक बचपन का आप गल सुनते होंगे सीगे कि एक लकड़ी तली टुट जाती है पर जदों वो काफ़ी लकड़ियां कट्ठे कर दिता जाता तो नहीं टुटदियां सो इसे की मिसाल इतने बैठे आप जे अपनी किसान जथेबंदी ना होंगी तो की दोस्तों कोई कला किसान आके इतने टोल प्लाजा रोक के संघर्ष कर लेंदा नहीं सो यह एकता का सबूत ही है। इस तरह जिन्हें व्यापार यूनियन होगी होर होगी पत्रकार यूनियन सारे जानी एकता की मिसाल हैगी ने यही जानी एक मेरा कहन तो मुख भाव यह है कि कला बंदा कुछ नहीं कर सकता सो सारे एक रहने की फायदा एकता बना के रखो इस तरह आते जाते रहो। सो हम मैं गल करांगा लोकतंत्र की पहली गल अपने पंजाब दे विच भारत दे विच लोकतंत्र का ना तो किसी है ही नहीं लोकतंत्र का मूह किसी ने देखे ही नहीं क्योंकि लोकतंत्र की हुंदा गा लोकतंत्र हुंदा है जिथे लोगों की गल होवे लोगों के भले की गल होवे लोगों के हकों की गल होवे पर दोस्तों साथियों इत्थे अपने देश विच किते दूर दूर तक लोकतंत्र ना रलदी मिलदी कोई मिसाल नहीं हैगी जे हुंदी तां जे आपां इत्थे संघर्ष ना विड्डिया हुंदा आपां नूं हक्कां लई ना लड़ना पैंदा हुंदा। सो दूसरे नंबर ते लीडर लीडर एक बहुत ही पवित्र शब्द सी सरदार भगत सिंह भी लीडर सी करतार सिंह सराभा भी लीडर सी पर इन्हां ने लीडरां दा नां ही खराब करता पता नहीं कदों और जो लीडर दोबारा देखने को मिलेंगे पता नहीं कदों नहीं यह जो पंजाब नाम का गड्ढा यह पूरी तरह धस चुकया यह नहीं है कि इसको कटने लिए घोड़े नहीं है गे ने कई आप देखते हाँ पर उन्होंने घोड़े का जो जोर है ना वो अलग अलग दिशा के लग्या होया कोई पंजाब नाम का जो गड्ढा वो कितने होर पासे कटन लग्या पाया दूजा उधरों निकल लगता है वह उधरों लग जाता है जो ये घोड़े आपस च कट्ठे हो गए इन्होंने जोड़ा गड्ढा वह कट देना है पर यह कट्ठे होए तो जाए। सो हूँ मैं गल करांगा कैप्टन के स्मार्टफोन की पिछे जो आप देखिए वोटा तो पहला उन्होंने सारे यूथ के नौजवानों के जी वोट थी वोट बैंक सारी समार्टफोन तो लैती थी किमें लैती थी उदो जो भरिया कोई संग शर्म नहीं मैं भी भरिया चाहे मेरे को है ही सी हरेक नूं आप होंगी होर नहीं आप कभी आपके छोटे बच्चे दे देंगे हरेक ने भरिया अपलाई किया हूँ ज्यादा समा नहीं लूंगा मैं तो छेती गल खत्म करने की कोशिश करांगा। सो आपने वो
ਸਾਰੇ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਡੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਆ ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਰੇ ਸੀਗੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ 'ਚ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ ਸੋਚੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।